जी विधानसभा हाजिर थी उन्हें साफ करता भी लुटेरिया हाकमजवाद पार्टियां लोगों के हितों के विरुद्ध साजिशां करन लई एक है चाहे लख ड्रामे करी जान। इसलिए असं अच्छ मिच के आए हैं, सारे पंजाब मुहरे हो रहे हैं। जे ये ना हो तो अगला एक्शन सारे पंजाब का जो तिखा होएगा असं एक रद्द करा के हटा गए, क्योंकि जथेबंदियों की होंद का सवाल है। असं बचा हर हाथ बचा इस कॉन्फ्रेंस के अंदर कर जा रहे हैं पूरे पंजाब के सारे जिलों के अंदर कि जिन्ना चिर तक पंजाब की अकाली भाजपा सरकार ये कानून रद्द नहीं करती, पंजाब के अंदर 2011 वांग यह संघर्ष है जोड़ा उदों भी काले कानूनों के खिलाफ उठाया से, उदों पंजाब सरकार को रद्द करना पिया से, यह संघर्ष उदों तक जारी रहेगा। उधर सरकारी एडिड स्कूल्स प्रोग्रेसिव फ्रंट के सदे से सैकड़े अध्यापकों ने कल पटियाला डीसी दफ्तर के सामने विशाल धरना दिता। अध्यापक आगुआ ने कहा कि 2006 तो जो पंजवा पे कमीशन लागू होया तो सरकार ने एडिड स्कूलों के तनखा पत्तियां विच वाधा कर दिता, पर मैडिकल पत्ते और मकान किराया पत्ता चौथे पे कमीशन मुताबक ही दिता जा रहा। इस तो अलावा लैक्चरारा दर्जा चार मुलाजमान सिलाई टीचर लैब अटेंडेंटा के सोधे हुए पे ग्रेड हाले तक लागू नहीं किए गए, जिसके खिलाफ सरकार मनमर्जी वाला रुपया ही अपना रही है। स्कूल ने गवर्नमेंट एडिड स्कूल पंजाब दे और सरकार वालों पूरी तरह इग्नोर होए हुए ने। वो कुछ आस्पेक्ट तो इग्नोर ने, जिमें एक तो सारे देखो कि लैक्चरर दे ग्रेड पे, मैं बतौर लैक्चरर काम कर रही हाँ इतिहास विभाग के लैक्चरर नू ग्रेड पे नहीं दिते जा रहे, ना लैब अटेंडेंट नू दिते जा रहे ने, ना पीएन नू, बाकी सारे टीचर्स नू ग्रेड पे दिते जा रहे हैं। सैकेंडली साढ़े हाउस रेंट इग्नोर है, सानू नहीं मिल रहे, ना ही मैडिकल अलाउंस सानू मिल रहे हैं। टीईटी की शर्त खत्म की जाए तो इन स्कूलों के काम करते अनपेड स्टाफ में रखा जाए, तो जो इतने मिड डे मील की जिस तरीके गैल अजक बच्चों पोषण की थान कुपोषण की खुराक कराई जा रही है, मिड डे मील के जो निधार है असं वह भी कह रहे भी ठेकेदारी सिस्टम जो सदा ही खत्म किया जाए। स्कूली विद्यार्थियों नाल कुटमार करन वाले अध्यापकों दीआं खबरां लगातार सुरखियां विच ने। एक ताज़ा मामला जिला पठानकोट के पिंड चक मनासा तो सामने आया, जिथे सरकारी स्कूल दीआं महिला अध्यापकों ते स्कूल विच पढ़न वाले छोटे छोटे बच्चों नाल कुटमार करन अते उन्हां नूं अपमानजनक शब्द कहण दे दोष लगे ने। पिंड वासियों ने कहा कि अध्यापकों के खिलाफ रोजगार करदिआं दस्सिया कि इन्हां वल्लों आए दिन किसी न किसी बहाने बच्चों नाल कुटमार की जाती है। इत्थे ही अंगहीन बच्चे के पिता ने दस्सिया कि अध्यापकों उसके बच्चे अक्सर लूला लंगड़ा कह उसका अपमान करदिआं ने, कई बार उसनूं स्कूलों कढ़न की भी धमकी दे चुकिया ने। उधर पिंड की महिला सरपंच ने दस्सिया कि जदों इस बारे उसके पति ने गलबात करन दी कोशिश की तो उन्होंने उन्होंने खिलाफ पुलिस कोल रिपोर्ट दर्ज की। इस कारण बड़ा हरासमेंट करते बच्चे साढ़े। ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਿੰਨੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਕੂਲ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ 6ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਹੁਣ 6ਵੀਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਉਹ। ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਮੈਡਮ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡਮ ਇਕੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਰਚਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੰਪਲੇਨ ਆਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਕਾਲਤਾ ਬਾਹਰ, ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਰਦੀਆਂ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਭੇਜਿਆ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਓ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਤਾ और बड़ा बदतमीजी ने पेश आई हैं उन्होंने। मैं ये चाहनी हूँ कि इनकी शान भी की जाए हर काम च, बच्चे ने जिन्होंने बच्चे निकालते लंगड़ा लंगड़ा बोल के उनके भी बरखिलाफ एक्शन लिया जाए। इसकी जी है सारी मेरे को 1 अगस्त को हड़ताल की गई है, जिस विच पंचायत ते टीचर के आपस में काफ़ी गिले शिकवे सी, जो पड़ताल करके रिपोर्ट जी डिप्टी कमिश्नर जमा करवाती गई। हुण गल करदे आं अगली खबर की। कहूटा पोठवार एसोसीएशन वालों विरसा संभाल कानफ्रेंस 17 अगस्त को पटियाला के गुरद्वारा नवीन श्री गुरु सिंह सभा धर्मपुरा बाजार विखे की जाएगी। एसोसीएशन मैंबरों तो अलावा चढ़दी कला ग्रुप के चेयरमैन सरदार जगजीत सिंह दद्दी ने इस कानफ्रेंस लिए उलीके गए प्रोग्राम की जानकारी देंदिया दस्सिया कि सिक्खी के शानदार विरसे को उजागर करने इस इतिहासक विरसा संभाल कानफ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है, जिस दे विच दिल्ली कमेटी प्रधान मनजीत सिंह जीके, प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदूमाजरा मैंबर पार्लीमेंट, सोहन सिंह टंडल कैबिनेट मंत्री पंजाब तो अलावा उगियां पंथक शख्सियतां हाजिर होणगियां। इस शहर के सिख दुनिया के वधिया सिखां विचों गिणे जांदे हन, क्योंकि यह शहर अमृतधारी सिखां दा शहर सी और श्री मान संत अतर सिंह जी महाराज मस्तवाणा साहब तो अते श्री मान संत बाबा निदान सिंह जी लंगर साहब हजूर साहब वाले बहुत लंबा समा इत्थे रहे और इत्थे उन्होंने तपस्या भी की, और इत्थों ही
जो अमृत संचार की लहर शुरू हुई उतों पंथ रतन श्री मान मास्टर दारा सिंह जी अमृत छके तैयार बर तैयार होए और सिख कौम की अगवाई की। अज जदों साड़ी कौम नू साड़ी पनीरी नू बच्चों सिखी के शानदार विरसे बारे पता नहीं है तो मैं समझदा हाँ कि कहूटा पठवार एसोसीएशन के मैंबर ने एक बड़ा कमाल दा ते शानदार उद्यम किया है कि सारी कौम नू एक मैसेज देन लई सिखी दे शानदार विरसे दा ये विरसा संभाल कॉन्फ्रेंस का आयोजन पटियाले दे इतिहासक गुरद्वारा साहब गुरद्वारा नवीन श्री गुरु सिंह सभा इतिहासक इसलिए है क्योंकि अज तो तकरीबन 70 साल पहला पंथ रतन श्रीमान मास्टर दारा सिंह जी ने इस गुरद्वारा साहब की नींह रखी सी। इतों ही बड़िया महत्वपूर्ण खालसा पंथ दियाँ सरगर्मियाँ इतने हमेशा होंदिया रही हैं। जो नवे खालसा पंथ के नेता जथेदार मनजीत सिंह जी के प्रधान दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी उन्होंने नाल दिल्ली के होर सिख आगू और प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदू माजरा मैंबर पार्लीमेंट और होर भी बहुत सारिया खालसा पंथ दियाँ मनिया परमनिया शख्सियत इस समागम में पहुँच रही हैं। तो मैं चढ़दी कला टाइम टीवी वालों भी अपने दर्शकों को बेनती कराँगा कि तुम आओ तो देखो 17 अगस्त को शाम को 5 बजे कॉन्फ्रेंस शुरू होगी कि सिखी की प्रफुल्लता लई और जो साढ़े गिरावटा आ रही हैं उन्होंने खत्म करने लई ये सिंह साढ़े कितने यतनशील हैं और कितना इन्होंने मन में जज्बा आदर्शक सिख हैं तो सारी कौम इन्हां साड़ी बरादरी दे सिखां वाल देखे अपने बच्चों नूं उसी तरह अपने शानदार विरसे नाल जोड़ के साबत सूरत और सुंदर सिख बनाने का उपराला करे ये साड़ा निशाना है। इस दी पूर्ति लई असीं सारी कौम नूं एक मैसेज दे रहे हां अते कौम कोलों मदद की मंग करते हाँ कि आओ साडे नाल लग के एक असीं लहर चलाईए एक काफला चले जिस नाल मिल के साडे पंथ की भलाई हो सके। इस खबर के नाल ही वेला हो चलिया तुहाड़े तो इजाजत लैंदा पर जाते जाते एक बार फिर तो नज़र पावांगे हुण तक दीआं खास खबरां उत्ते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अज जम्मू कश्मीर दौरा लद्दाख च पन बिजली प्रोजैक्टा का करनगे उद्घाटन सुरक्षा के सरख प्रबंध। 200 करोड़ की लागत नाल बनन वाले जंगे आजादी यादगार का 12 अक्तूबर नींह पत्थर रखणगे मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल जलंधर के करतारपुर च बनेगी यादगार। पंजाब विच 6 होर IPS अफसरां दे कीते गए तबादले SK शर्मा सीताराम रेड्डी राजपाल मीना गुरिंदर सिंह ढिल्लों दे बदले गए विभाग। जिमनी चोणां दे माहौल दा फायदा लैण लई प्रदर्शनकारी जथेबंदियां भी होईयां सरगर्म ETT अध्यापक किसान अते मजदूर जथेबंदियां वल्लों धरने प्रदर्शन जारी। सो पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन फिलहाल इन्ना ही कुछ होर खबर लैके मैं सुखविंदर सिंह जल्द तुहाड़े रूबरू होवांगा तद तक लई तुसीं जुड़े रहो चढ़दी कला टाइम TV।